जिन छात्रों को 2023 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देना है उनका सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है। मैट्रिक का सेंटअप एग्जाम होने जा रहा है 15 नवंबर से और इंटर का सेंटअप एग्जाम शुरू होने जा रहा है 11 अक्टूबर से। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि मैट्रिक और इंटर के सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हम कैसे डाउनलोड करें और साथ ही साथ सेंटअप एग्जाम से जुड़ा हर एक सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इसके लिए हम सिंपली सर्च करेंगे गूगल में स्काइलेट स्टडी और जो हमारे सामने सबसे पहला रिजल्ट आएगा उसको हम ओपन कर लेंगे और हमारे सामने खुल जाएगा स्काईलाइट स्टडी का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर आपको पोस्ट देखना है क्या, मैट्रिक इंटर सेंटअप एग्जाम 2023 वायरल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, ये पोस्ट आपको ढूंढना है, देखना है, इसी पोस्ट को आपको ओपन कर लेना है। यहीं पर हमको डाउनलोड लिंक भी मिलने वाला है वायरल क्वेश्चन पेपर का और सेंटअप एग्जाम से जुड़े हर सवाल का जवाब भी मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक का सेंटअप एग्जाम कब से शुरू होगा। तो मैट्रिक का सेंटअप एग्जाम शुरू होगा 15 नवंबर से और फिर इंटर का सेंटअप एग्जाम कब से शुरू होगा, तो इंटर का सेंटअप एग्जाम शुरू होगा 11 अक्टूबर से जो चलेगा 21 अक्टूबर तक। और यही नहीं, इस 21 अक्टूबर तक चलने वाले इंटर के सेंटअप एग्जाम का जो एग्जाम रूटीन है वो अलग अलग कॉलेज का अलग अलग हो सकता है, तो रूटीन के लिए आपको अपने कॉलेज से संपर्क कर लेना चाहिए। और यही नहीं, इंटर के सेंटअप एग्जामिनेशन के बारे में ये भी स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि 23 अक्टूबर तक हर हाल में इस सेंटअप एग्जामिनेशन का रिजल्ट बना करके DO ऑफिस में जमा कर देना है। रिजल्ट का फॉर्मेट क्या होगा, किस फॉर्मेट में रिजल्ट बना करके DO ऑफिस भेजा जाता है, उस फॉर्मेट को आप यहाँ पर नीचे इस लेटर में देख सकते हैं। ये फर्स्ट पेज हो गया लेटर का और उसके बाद इसी लेटर का जो सेकंड पेज है यहाँ पर डाला गया है, इसमें आप देख सकते हैं, यही है इंटर के सेंटअप एग्जामिनेशन रिजल्ट को बनाने का फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट में रिजल्ट बना करके DO ऑफिस स्कूल कॉलेज भेजते हैं और DO ऑफिस से वो रिजल्ट चला जाता है कहाँ, तो बिहार बोर्ड के ऑफिस। और उसी रिजल्ट के आधार पर बिहार बोर्ड क्या करता है कि आप सभी का मैट्रिक इंटर के छात्रों का जो फाइनल एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड होता है वो एडमिट कार्ड भेजता है। तो अब अगला सवाल कि सेंटअप एग्जाम जो ये मैट्रिक इंटर का होने जा रहा है उसका एडमिट कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सेंटअप एग्जाम जो भी होते हैं उसका कोई भी एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाता है। अगर आपने मैट्रिक या इंटर 2023 के लिए परीक्षा फॉर्म भर दिया है तो आप सेंटअप एग्जाम में बैठ सकते हैं। और रही बात ये कि सेंटअप एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि ये सेंटअप एग्जाम जो होने जा रहे हैं मैट्रिक इंटर का, इसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए, बिहार बोर्ड का सेंटअप एग्जाम का रिजल्ट बनाया जरूर जाता है पर छात्रों को दिया नहीं जाता है, बल्कि सभी कॉलेज और स्कूल क्या करते हैं कि मैट्रिक और इंटर के सेंटअप एग्जाम का रिजल्ट तैयार करते हैं और उस रिजल्ट को निर्धारित डेट के अंदर अपने जिला के DO ऑफिस में जमा कर देते हैं। और DO ऑफिस क्या करता है कि इस सेंटअप परीक्षा का जो रिजल्ट है वो बिहार बोर्ड के ऑफिस को भेज देता है और बिहार बोर्ड क्या करता है कि इसी रिजल्ट के आधार पर फाइनल मैट्रिक या इंटर की परीक्षा के लिए छात्रों का एडमिट कार्ड जारी करता है। तो रिजल्ट बनेगा जरूर लेकिन आपको मिलेगा नहीं। अब है सवाल एक बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर कोई छात्र मैट्रिक या इंटर के सेंटअप एग्जाम में शामिल ना हो, यानी कि एबसेंट हो जाए या फिर फेल हो जाए तो क्या होगा। देखिए, नियम तो यही है, बिहार बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है कि भाई बिहार बोर्ड के सेंटअप परीक्षा में जो भी अनुपस्थित रहेंगे यानी कि एबसेंट रहेंगे या जो छात्र एग्जाम में बैठेंगे और फेल हो जाएंगे तो फाइनल परीक्षा जो फरवरी में होती है उसके लिए वह एलिजिबल नहीं होंगे। यानी बोर्ड ने अपने ऑफिशियल लेटर में या फिर विज्ञापन में, नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिख दिया है कि अगर कोई छात्र सेंटअप एग्जाम में शामिल नहीं होता या फेल हो जाता है तो फरवरी में होने वाली फाइनल परीक्षा के लिए उसका एडमिट कार्ड जारी ही नहीं किया जाएगा। तो इसलिए अगर आपको सेंटअप एग्जाम में बैठने में, एग्जाम देने में कहीं कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, किसी कारण से आप एग्जाम अगर नहीं दे पाएंगे तो इसके लिए अपने स्कूल कॉलेज से एक बार जरूर मिल लें, हो सकता है कि वो लोग आपके लिए कोई समस्या का समाधान निकाल कर दें। तो इसलिए एक बार मिलना बहुत जरूरी है। अब है कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक का सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हम कैसे डाउनलोड करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का लिंक आप देख सकते हैं कि यहां पर दिया गया है, इन लिंक से आप क्वेश्चन पेपर को, सेंटअप एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी मैट्रिक का सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन आया नहीं है तो यहां पर ये लिंक अभी एक्टिव नहीं है, पर जैसे ही क्वेश्चन आएगा वैसे ही ये लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा, आप यहां से डाउनलोड कर पाएंगे। और फिर है कि इंटर के सेंटअप एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो PDF हम डाउनलोड कैसे करेंगे। तो साइंस का 2023 का क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हैं डाला गया है और 2022 का नीचे डाला गया है, तो 2022 का लिंक फिलहाल एक्टिवेट कर दिया गया है, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं 2022 वाला क्वेश्चन। लेकिन चूंकि 2023 वाला क्वेश्चन अभी तक लीक नहीं हुआ है, वायरल नहीं हुआ, इसलिए यहां पर ये लिंक अभी एक्टिव नहीं है, पर जैसे ही क्वेश्चन आएगा इस लिंक को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, सारे क्वेश्चन यहां पर इसी पोस्ट में इसी लिंक पर अपडेट किए जाएंगे। और उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि आर्ट्स का भी यहां पर, तो 2023 वाला अभी लिंक एक्टिव नहीं है और 2022 में डाल दिया गया है, 2022 का जो सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन है आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो जैसे ही क्वेश्चन अवेलेबल होता है वैसे ही इन सारे लिंक्स को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। आप आराम से सेंटअप एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को, आंसर की को बड़े आराम से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर। तो बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर सेंटअप एग्जाम के क्वेश्चन डाउनलोड करने या फिर अन्य सभी सवालों का जवाब आपको स्पष्ट मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल बच गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ डालें, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।